फ्रैक्शंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। फ्रैक्शंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करना है कि फ्रैक्शंस का ही एक पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डेसिमल्स। ओके, तो देखो मेनली डेसिमल्स है क्या वो समझते हैं हम लोग। हम लोगों ने फ्रैक्शंस पढ़ा है। फ्रैक्शंस क्या है मेनली, अगर हम लोग एक नंबर है जो ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। ओके, एक नंबर होता है जो ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे ए क्या है बोलो हमारा न्यूमरेटर। ओके, ए क्या है हमारा न्यूमरेटर और बी क्या है हमारा डिनोमिनेटर। आपको दिख रहा है ना? ओके चलो, सो हम लोग एक फ्रैक्शन ए बाई बी मान के चलो हम लोग एक फ्रैक्शन ले रहे ए बाई बी के फॉर्म में। यहाँ पे ए हमारा न्यूमरेटर है और बी हमारा डिनोमिनेटर है। हम लोगों ने फ्रैक्शंस के बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, ये सारा हम लोगों ने पढ़ा है। बट हम लोग को एक पार्ट अभी इस आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे समझो, कि अगर हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है समझो, यहाँ पे अगर हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है ध्यान देना, ठीक है, अगर एक फ्रैक्शन है ए बाई बी, ओके, अगर एक फ्रैक्शन है ए बाई बी और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है अगर वो क्या हो जाए, 10 हो जाए, क्या हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, मतलब 10 का मल्टीपल्स, ओके, 10 का मल्टीपल्स फॉर्म में अगर है, अगर उसका डिनोमिनेटर क्या है 10 का मल्टीपल फॉर्म्स में है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। अगर एक फ्रैक्शन है ए बाई बी, ओके, अगर एक फ्रैक्शन हम लोग ले रहे ए बाई बी, इसमें हम लोग दो पार्ट पता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, मतलब 10 का मल्टीपल फॉर्म्स में अगर है, ठीक है, 10 के मल्टीपल फॉर्म्स में है, या हम ये बोल सकते हैं कि 10 के पावर के फॉर्म्स में, अगर 10 का पावर n लिखा है, n का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 10 आएगा, n का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 100 आएगा, n का वैल्यू अगर 3 पुट करेंगे तो 1000 आएगा, उसी तरह से कंटिन्यू रहेगा सारा पॉइंट। तो अगर अगर एक फ्रैक्शन है, ठीक है ध्यान से समझिए, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, ओके, 10,000 है, इस तरह से अगर करके है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं डेसिमल्स फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल्स फ्रैक्शंस। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन, क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ गया ना कि डेसिमल फ्रैक्शंस क्या कॉन्सेप्ट जो है मेनली, जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, इस तरह से। ओके चलिए, तो ये डेसिमल जो फ्रैक्शन है ये क्लियर हो चुका है आपको। डेसिमल फ्रैक्शन में आपको क्या समझना है, पहले ये देखते हैं हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं बोलूं 2/10, तो 2/10 क्या एक डेसिमल फ्रैक्शन है? 2/10 क्या एक डेसिमल फ्रैक्शन है? यस, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 10 है। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लूं 15/100, क्या ये 15/100 एक डेसिमल फ्रैक्शन है? यस, 15/100 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए आपको क्या दिख रहा है, 100 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना? मेनली जो कॉन्सेप्ट था डेसिमल फ्रैक्शन का, ये डेसिमल्स का। अब देखो होता क्या है, ये डेसिमल फ्रैक्शंस को, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल्स के फॉर्म में कैसे? तो देखो होता क्या है ना, ये 2/10 है, ध्यान से समझना, इस 2/10 को हम लोग क्या लिखते थे, 0.2। हम लोगों ने ऑलरेडी जूनियर क्लास में पढ़ा है, 5-6 में आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो 2/10 को हम लोग क्या लिखते हैं, 0.2। इसके हम 15/100 को क्या लिख सकते हैं बोलो, 0.15 लिखते हैं ना, याद आ रहा होगा आई थिंक आप लोग को। यस सर, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो, इसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। कॉपी कर लो आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कॉपी कर लीजिए बाबू आप लोग, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, कहाँ इतना लेट से आते हैं, 7 बजे क्लास है ना, कॉपी कर लीजिए आप लोग, जिस अभी मैंने बेसिक ही बताया है। समझ में आया सबको? यस सर। ओके, तो मेनली डेसिमल्स एक्चुअली है क्या, एक फ्रैक्शन है। ओके, डेसिमल्स क्या है, एक फ्रैक्शन है
जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, देखो यहाँ पे, जिसमें जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, तो 10 का पावर में समथिंग कुछ जाते जाएगा तो वो फ्रैक्शन को हम लोग मेनली बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन का कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, 2/10, ओके, 15/100, ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन। अब इस 2/10 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बोलो, 0.2। 15/100 को कैसे लिखते हैं, 0.15, ये लिखते हैं हम लोग, याद करो, याद आ रहा है कुछ? हेलो, ओके ओके, चलिए आप लोग कॉपी कर लीजिए यहां तक, ठीक है। अगर ये क्लियर हो जाएगा डेसिमल्स, तो इसके बाद हम लोग डेसिमल्स का टाइप पढ़ेंगे। देखो अगर n का वैल्यू यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो 10 हो जाएगा, अगर n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 100 हो जाएगा, n का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। और डेसिमल फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो 2/10 है, क्या लिखेंगे, 0.2। 15/100 है, इसको क्या लिखेंगे, 0.15। अगर मान लो एक ऐसा नंबर ले रहा हूं मैं 32/10, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, 3.2। यहाँ तक समझ में आ रहा ना? ओके, यस सर, ओके, सबका कॉपी हो गया सबका, यस सर, ओके, रब कर ले रहे फिर हम लोग। चलिए अब यहाँ पे समझना है आगे का कॉन्सेप्ट। तो डेसिमल फ्रैक्शंस में हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स, क्या है टाइप्स। तो मेनली दो टाइप्स के फ्रैक्शन डेसिमल्स हम लोग को कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। एक टाइप होता है लाइक डेसिमल्स, ठीक है, फर्स्ट जो है वो क्या है, लाइक डेसिमल्स। ठीक है, और दूसरा क्या है बोलो, अनलाइक डेसिमल्स। अनलाइक डेसिमल्स, ठीक है, देखो यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे समझो क्या पॉइंट बता रहे हैं, अगर मैंने यहाँ पे दो फ्रैक्शंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो चलो 2.1 और यहाँ पे एग्जांपल है 3.5, ठीक है, ये दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा बोले तो, ये दोनों ही फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। सो मेनली हम लोग क्या पॉइंट देखना है, हम लोग को क्या पॉइंट नोटिस करना है कि डेसिमल्स के बाद, ये पॉइंट है ना, डेसिमल्स के बाद कितने सारे नंबर्स हैं यहाँ पे, देखो तो फर्स्ट फ्रैक्शन में एक ही नंबर है, और यहाँ पे डेसिमल्स के बाद कितने सारे नंबर है, एक ही नंबर है, ओके, यहाँ पे पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पे 1, यहाँ पॉइंट के बाद 5, तो नंबर्स कितने काउंट करो पहले, यहाँ पे ये हो गया 1, ये हो गया 5, ओके, तो यहाँ पे एक ही ऐसा नंबर है, यहाँ पे भी 5 ऐसा एक ही नंबर है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शन, लाइक डेसिमल, ओके, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। अब देखो क्या कॉन्सेप्ट बता रहे, समझो अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2.5 है मान लो, ठीक है, इस 2.5 में देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इस 2 को, ठीक है, इस 2 वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, होल नंबर पार्ट, होल नंबर पार्ट, ये एक होल नंबर है, और ये 5 क्या है बोले तो, ये है डेसिमल नंबर पार्ट, ये है डेसिमल नंबर, ठीक है। तो इस 2 एक्चुअली अगर हम लोग बोले यहाँ पे 2.1 में, तो 2 क्या है हमारा, होल नंबर है, और ये 1 क्या है, डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल, ओके, 3.5 में 3 क्या है, हमारा होल नंबर है, मतलब पॉइंट के पहले जो रहेगा, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो रहेगा वो डेसिमल्स पर, क्लियर हो रहा है ना। तो हम लोग चेक करेंगे कि डेसिमल नंबर्स कितने सारे हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट डेसिमल्स में देखो कितने सारे डेसिमल्स है, 1, यहाँ पे सेकंड डेसिमल में चेक करो कितने सारे डेसिमल्स है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल्स, क्लियर हो रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1.7 और एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ 2.78, तो चेक करो, ठीक है, यहाँ पे चेक करो, ठीक है, यहाँ पे तुमको क्या चेक करना है कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया गया है, ध्यान देना, यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया गया है, दोनों ही फ्रैक्शन का देखो डेसिमल पार्ट में यहाँ पे एक ही नंबर है 7, यहाँ पे देखना 2 नंबर दिख रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक 7 है और यहाँ पे एक 8 है, ओके, यहाँ पे सिर्फ एक 7 ही है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल, मतलब डेसिमल्स का नंबर सेम अगर हुआ, ओके,
यहाँ पे जैसे सेवन एक नंबर है, यहाँ पे सेवन और एट दो नंबर है ऐसा, ठीक है। तो डेसिमल्स अगर यहाँ पे मतलब रियल, ये हो गया होल नंबर पार्ट, ये हो गया आपका डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल पार्ट में अगर एक ही नंबर है तो उसको हम लोग बोलेंगे आपका डेसिमल नंबर। यहाँ पे देखो 2.78 में 2 हमारा होल नंबर हो गया, 78 क्या है हमारा डेसिमल पार्ट है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर एक है, यहाँ पे डेसिमल नंबर कितना है, दो है। तो ऐसे डेसिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक डेसिमल्स। क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, कॉपी कर लीजिए आप लोग यहाँ तक। Different number of decimal place. यहाँ पे देखो एक ही decimal place था, ओके। यहाँ दोनों में देखो एक ही decimal place था one, यहाँ भी एक decimal है, यहाँ भी एक decimal है, यहाँ पे एक है पर यहाँ पे दो है। तो ऐसे decimals को हम लोग आराम से example से समझ सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ इग्नोर क्लास, ओके, याद होगा आई थिंक आपको। हो गया क्लियर यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक बोलो? नो सर। ओके, समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके, सो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब हम लोग समझते हैं कुछ पार्ट। देखो ये हो गया, इरेज कर ले हम लोग। सबका हो गया ना, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके, अब देखते हो यहाँ पर क्या समझना है वो समझो। अगर मैं बोलूँ कि नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, क्लियर है? यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये वाला 12 जो नंबर है वो 12 क्या है बोलो तो आपका होल नंबर। ये 12 क्या है आपका होल नंबर। यहाँ पे देखो ये 3 4 5, यहाँ पे तीन डिजिट है, ठीक है, यहाँ डेसिमल प्लेस में तीन डिजिट है। ये थ्री क्या है बोले तो, 3 4 5 का ये प्लेस क्या होगा बोले तो, ये है टेंथ प्लेस पे, ठीक है। ये फोर क्या है बोले तो, वन, ये फोर, और ये फाइव क्या है, थाउजेंड प्लेस पे, थाउजेंड। क्लियर हो रहा है? तो अगर मैं बोलूं देखो यहाँ पे अगर 12.3 है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं बोलो, 12.3 इसका पॉइंट हटेगा नीचे में क्या आएगा 10। अगर मैं एग्जांपल लू 12.34 का तो इसमें क्या होगा बोलो, 12.34 ये पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट हटेगा नीचे में क्या आएगा 100। यहाँ पे 12.345 यहाँ पे समझो, 12.345 यहाँ पे देखो पॉइंट हटेगा नीचे में क्या आएगा बोलो, थाउजेंड, है ना। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट मेनली, ये स्टार्टिंग वाला जो मतलब डेसिमल्स के लेफ्ट साइड में जो नंबर लिखा रहता है वो हमारा होल नंबर। ये 3 4 5 डेसिमल्स के राइट साइड में है, इसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल्स प्लेस। अब ये 3 4 5 का भी अपना अपना प्लेस है, ओके। देखो यहाँ पे 3 जो है अगर पॉइंट हटाया हम लोगों ने कितना आया 10 आया, इसको बोलते हैं 10th प्लेस पे। 3 4, अब देखो 3 4 यहाँ पे दोनों दो डिजिट है, ठीक है, तो 3 4 4th कौन सा पोजीशन पे, तो 100th प्लेस पे। और सेम 3 4 5 में ये 5 कौन सा पोजीशन पे है, तो 1000th प्लेस पे। क्लियर हुआ? ये सारा डाटा क्लियर हुआ? हेलो। यस सर। ओके, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके चलिए, हो गया, कॉपी कर लिया, हटाए इसको, रिमूव कर लें। चलिए,
ये तो आपको समझ में आ चुका। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब डेसिमल्स का टाइप भी हम लोगों ने पढ़ लिया और जो मेनली कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों ने समझ लिया। अब बोलो तो क्या करना है हम लोग इसके बाद, क्या पढ़ना है? तो हम लोग को पढ़ना है कंपैरिजन। कंपेयर कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है? कंपेयर करना सीखते हैं। मान लो दो फ्रैक्शन दिया गया है 2.5 और दूसरा फ्रैक्शन है 3.7, इन दोनों में बड़ा कौन है? कैसे पता चलेगा? इन दोनों ही फ्रैक्शन में कौन बड़ा फ्रैक्शन, सॉरी कौन सा बड़ा डेसिमल है वो कैसे पता चलेगा? तो सिंपली देखो करना क्या है, समझो। इसके लिए कुछ रूल्स है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? रूल्स लिख लेते हैं, वो समझते हैं, ठीक है? फर्स्ट रूल क्या है, हम लोग चेक करेंगे इसका रियल जो होल नंबर पार्ट है वो पहले हम लोग चेक करते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास दो डेसिमल दिया रहेगा तो दोनों डेसिमल से हम लोग फर्स्ट क्या चेक करेंगे बोले तो इसका होल नंबर पार्ट। ओके, तो अब बताओ ये टू और थ्री में से बड़ा कौन है? थ्री। तो मतलब ये फ्रैक्शन जो है बड़ा हो गया ना, सॉरी ये जो डेसिमल है 3.7 ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो सिंपली तुम ये लिख सकते हो कि 3.7 इज ग्रेटर देन 2.5, ये लिख सकते हो ना? यस सर। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल दूं, ठीक है, ध्यान सॉरी अगर मैं बोलूं एग्जांपल पे 3.4 और 3.8 इन दोनों में बड़ा कौन है? देखो अगर तुम चेक करना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट हम लोग चेक क्या करेंगे बोले तो होल नंबर पार्ट। होल नंबर में देखो दोनों सेम है क्या? यस सर। ओके, जब ये दोनों सेम आ जाए, समझो यहाँ पे पहले जब ये दोनों सेम आ जाए तो हम लोग डेसिमल्स के बाद हम लोग टेंथ प्लेस पे जो है वो चेक करेंगे। तो टेंथ प्लेस पे कौन सा है बोलो? यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, इन दोनों में बड़ा कौन है 4 और 8 में? सर 8 है, इसका मतलब 3.8 जो है वो बड़ा है 3.4 से। ये समझ में आ गया? यस सर। ओके, फिर मैं थोड़ा सा अभी इसके लेवल को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। चलो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं एक नंबर लू, ध्यान देना, एक नंबर लू 7.52, यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूँ 7.54, ठीक है, यहाँ पे दो डेसिमल लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना इन दोनों डेसिमल से बड़ा कौन है छोटा कौन है कैसे पता चलेगा? तो फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे क्या बोलो? फर्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग? होल नंबर। ओके, तो ये देखो दोनों सेम है क्या? ये दोनों सेम दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद फिर हम लोग क्या चेक करेंगे बोलो? दोनों का टेंथ प्लेस पे, डेसिमल्स का टेंथ प्लेस। तो दोनों देखो सेम है क्या यहाँ पे? यस सर। ओके, फिर दोनों का चेक करेंगे हम लोग हंड्रेड प्लेस पे जो वैल्यू है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 आ गया। अब बताओ अब इन दोनों में बड़ा कौन है? सर 7.54 है ना, मतलब 2 और 4 में 4 बड़ा है, इसीलिए ये डेसिमल 7.54 जो है बड़ा हो जाएगा 7.52। अब बोलो ये क्लियर हुआ? यस सर। ये आप लोग लिख रहे हैं? अब बस देख रहे हैं? हां सर, लिख रहे हैं। ठीक है, लिखते जाइए, इसके बाद हम लोग रूल्स लिखेंगे अभी पहले, ठीक है? ये हो गया यहां तक? यस सर। ओके, अभी हम लोग रूल्स लिखेंगे फिर से क्लियर हो जाएगा। जस्ट मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो। फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहे, ठीक है, मान लो 2.358 यहाँ पे है, 2.357 यहाँ पे दो डेसिमल हम लोगों ने लिया, एक में एक का वैल्यू क्या है? तो 2.358 यहाँ पे है 2.357, तो हम लोग को फर्स्ट क्या चेक करना है बोलो? फर्स्ट क्या चेक करते हैं हम लोग? सर होल नंबर। देखो सेम है क्या? यस सर। ओके, इसके बाद क्या चेक करेंगे बोलो? सर टेंथ प्लेस। ठीक है, ये देखो सेम है क्या? यस सर। इसके बाद क्या चेक करेंगे बोलो? हंड्रेड प्लेस। ओके, ये भी देखो सेम है क्या? यस सर। अब इसके बाद क्या चेक करेंगे बोलो? सर थाउजेंड प्लेस। देखो अब यहाँ पे सेम आ रहा क्या? देखो तो नो सर। नहीं, अब इन दोनों में 8 और 7 में बड़ा कौन है? सर 8 बड़ा है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं 3.58 ग्रेटर देन 2.357, ऐसे लिख सकते हैं क्या? तो ऐसे करके आप कंपेयर कर सकते हो, आराम से कंपेयर कर सकते हैं ना?
ये लिख लीजिए आप लोग, ये लिख लीजिए। क्लियर हो गया? हो गया आप लोग का? इरेज कर रहे हैं, ठीक है? सबको हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं रूल्स। रूल्स क्या है बोलो? फर्स्ट हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या कंपेयर करते हैं हम लोग फर्स्ट में? तो फर्स्ट हम लोग एक डेसिमल नंबर्स में उसका होल नंबर पार्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो हम लोग यहां लिखेंगे फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, होल नंबर, ठीक है? फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर इन द गिवन डेसिमल, इन द गिवन डेसिमल, ठीक है? जो भी डेसिमल दिया जाएगा उसका पहले हम लोग क्या चेक करेंगे बोले तो, कौन सा पार्ट चेक करेंगे? होल नंबर चेक करेंगे। अगर होल नंबर सेम आ गया तो फिर आगे चेक करेंगे, अगर सेम नहीं है तो वहां पर ही आंसर हम लोग कर सकते हैं। ये समझ में आ गया हम लोग को? बोलो हाँ। यस सर। बोले यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने? हेलो। यस सर। ओके, अगर अब बताओ, अगर होल नंबर अगर सेम आ गया, अगर एक डेसिमल्स का अगर होल नंबर अगर सेम आ गया, जैसे मान लो 2.5 और यहाँ पर 2.7 हम लोगों ने एग्जांपल लिया, दोनों का देखो होल नंबर सेम आ गया ना, तो फिर हम लोगों ने क्या चेक किया था बोलो? इसका 10th डिजिट का प्लेस है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इफ होल नंबर आर सेम, इफ होल नंबर इज सेम इन बोथ डेसिमल्स, इन बोथ, ओके, देन कंपेयर, देन कंपेयर इट्स 10th डिजिट, ओके, 10th डिजिट। अब देखो यहाँ पे समझो, अगर यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अगर 2.5 और 2.7 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आपका होल नंबर पार्ट है 2 और 2 सेम है यहाँ पे ना, देखो तो ये दोनों सेम है, तो सेम आ चुका है, तो इसके बाद क्या करते थे हम लोग? इसका 10th प्लेस, 10th डिजिट पे या 10th प्लेस पे जो वैल्यू है वो चेक करेंगे हम लोग, उसको कंपेयर करना है, तो इसके बाद यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मान के चलो ये, अब ये एग्जांपल को हटाते हैं, ठीक है, सेम मान लीजिए 2.5 यहाँ पर 2.7 था, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पे देखो एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पहले हम लोग चेक करेंगे क्या बोलो, इसका होल नंबर, होल नंबर सेम आ गया बोलो, इसके बाद क्या चेक करेंगे? इसका 10th डिजिट पे देखो 5 सेम आ गया, ओके, इसके बाद क्या चेक करना है इसका? सर 100 प्लस, 100 प्लस, ठीक है? तो थर्ड रूल क्या लिखेंगे बोलो? थर्ड रूल क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे इफ इट्स 10th डिजिट, 10th डिजिट आर सेम, ठीक है, देन कंपेयर, दिख रहा नीचे तक? यस सर। ओके, 100 प्लेस या 100 डिजिट एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, इसका मतलब हम लोग इसके बाद अगर हमारा जो 10th डिजिट है अगर वो सेम आ गया, उसके बाद क्या करना है बोले तो? उसके बाद हमको चेक करना है इसका 100th डिजिट का वैल्यू अगर वो सेम है कि नहीं, और वैसे ही करके हम लोग चेक करते जाएंगे, इसलिए लिखा हम लोगों ने एंड सो ऑन, वैसे चेक करते जाएंगे, 100 आ गया तो फिर 1000 पे चेक करेंगे, ठीक है? तो ये है मेनली रूल।
इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स पे कवर करेंगे, ठीक है? इसको पहले अच्छे से कॉपी कर लीजिए, सारे इसको, ये थर्ड नंबर रूल है, कॉपी कर लीजिए। ओके सर, कॉपी हो गया, सबको कॉपी हो गया ना? ओके चलिए सर। नो सर, नहीं नहीं करिए करिए, हम इरेज नहीं कर रहे, आराम से करिए, ठीक है? आराम से करिए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो हम लोग कुछ समझते हैं, ठीक है? रूल नंबर वन तो हो गया होगा, कहाँ तक बाकी बोलो सर? टू और थ्री। चलो कॉपी करो, आराम से कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स हम लोगों ने लिख लिया है, चलो वेरी गुड। जिनका हो गया है यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि 0.5 एंड 0.05, यहाँ पे बताइए आप लोग कि इन दोनों ही डेसिमल्स में से कौन सा डेसिमल्स बड़ा है या कौन सा डेसिमल्स छोटा है? क्यों 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 सर? क्योंकि इसके टेंथ प्लेस में फाइव है और उसके टेंथ प्लेस में जीरो है। ओके, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ चुका ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं सर। ओके, अगर मैं बोलूं 1.2 है, ठीक है, यहाँ पे है 1.78, इन दोनों में से बड़ा कौन है सर? 1.2। अच्छा, 0.7 एंड 7, इन दोनों में बड़ा कौन है सर? 7। ओके, 1.37 एंड 1.49, इसमें बड़ा कौन है, कौन सा ग्रेटर है सर? 1.49। ओके, तो आप लोग सारा आंसर कर पा रहे हैं इसका मतलब। ओके, आप लोगों ने समझ लिया कॉन्सेप्ट? यस सर। अगर मैं बोलूं एक नंबर 0.8 एंड 0.88, इन दोनों में बड़ा कौन है सर? अब बताओ सर। 0.8 सर। 0.88 88, ये बड़ा है, सबका आंसर यही आएगा, बताओ सर? मेरा तो यही आ रहा है। ओके, बाकी बच्चा बताइए कितना आ रहा सबका? इन दोनों में से बड़ा कौन है बताइए सर? 0.88। 0.88, कैसे, क्यों सर? क्योंकि 0.88 और 0.8 के 100th प्लेस में 0 है और 0.88 के 100th प्लेस में 8 है, इसलिए। ओके, तो भाई यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, पहले आप लोग यहाँ पे कॉपी हो गए, सबका रूल्स कॉपी हो गया? यस सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है ये चैप्टर? हाँ सर। ओके वेरी गुड। और जैसा फ्रैक्शंस का जितना भी क्वेश्चन था आप लोगों ने बनाया? चलो, तो यहाँ पे देखो क्या बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन था 0.8 एंड 0.88, इन दोनों में से बड़ा कौन है ये पता करना है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट डेसिमल लिखा हुआ है 0.8, ठीक है, इस 0.8 को हम लोग 0.80 लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। यस सर। ओके, आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट सीखा होगा, जैसे मान के चलो मैं बोल रहा हूँ, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, 0.8 है, तो यहाँ पे डेसिमल्स के बाद मैं जितना भी जीरो क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ, ये पता होगा आपको। यस सर। अकॉर्डिंग टू आवर नीड, हम लोग को अगर एक जीरो चाहिए तो एक जीरो ऐड कर सकते हैं,
अगर हम लोग को चाहिए यहाँ पे हमें दो जीरो चाहिए तो मैं दो जीरो भी लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे तीन जीरो भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है ये तीनों ही डेसिमल्स में, इसका मतलब क्या है ये तीनों ही डेसिमल्स अगर देखा जाए तो ये इक्वल है किसके, 0.8 के, है ना। ये तीनों ही डेसिमल्स किसके इक्वल है, 0.8 के। ये आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आई थिंक जीरो क्लास में। मैं 0.5 को, ठीक है, 0.50, ठीक है, 0.500 और 0.5000 कितने भी बार कर सकता है, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, याद आ रहा कुछ? यस सर। ओके सो ये अब देखते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, समझ रहे हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बात को समझो, ठीक है। ये 0.8 इसका मतलब है 0.80, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन था 0.88, अब देखो चेक करना आसान होगा, यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना, वो कंपेयर करना हमारे लिए इजी होगा कैसे, तो हम लोगों ने फर्स्ट चेक किया इसका फुल नंबर पार्ट, वो सेम आ चुका, इसके बाद हम चेक करेंगे इसका डिजिट पे, तो 88 कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या चेक करेंगे, इसका 100 वैल्यू चेक, तो अब कंपेयर करना हमारे लिए इजी है क्योंकि हम लोगों ने सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है बताओ सर, 8, इसका मतलब 0.8 ये 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8, ये समझ में आया, बोलो। यस सर। तो आज हम लोगों ने अभी देखो क्या कवर किया, कंपेयर करना समझ गया, ठीक है, कंपेयर करना हम लोगों ने सीख लिया। इसके बाद देखो क्या पढ़ेंगे बोलो, कंपेयर करना अगर हम लोगों ने सीख लिया तो हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे बोलो, अब हम लोग कुछ करेंगे ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन बोलो, ऑपरेशन इन द सेंस मैथमेटिक्स में क्या क्या ऑपरेशन होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, ये होते हैं ऑपरेशन मैथमेटिक्स में। हम लोग एडिशन को, सब्ट्रैक्शन को, मल्टीप्लीकेशन को, डिविजन को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन देखेंगे कुछ, तो ऑपरेशन देखेंगे फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है बोले तो, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक क्या कवर करना है, एडिशन, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, एडिशन ऑफ डेसिमल्स, ओके, एडिशन ऑफ, क्लियर हो रहा है ना, ओके। अगर मैं बोलूं कि 1.2 और 3.5 को क्या करना है आपको, ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों ही फ्रैक्शन को क्या करना है आपको, ऐड करना है। ये ऐड कैसे होता है आई थिंक आपको पता होगा, हम लोग सिंपली ऐड कैसे करते हैं बोलो, इसका होल नंबर पार्ट, ये होल नंबर पार्ट से ऐड होगा और इसका डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट के साथ ऐड होगा। तो हम लोग एडिशन क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में करेंगे। तो पहले हम लोग कौन सा ऐड करना होगा बोले तो, फर्स्ट में हम लोग ऐड करेंगे कौन सा, डेसिमल पार्ट, तो 5.2 कितना हो गया, 7.7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 और 1 को ऐड करो कितना आ रहा है सर, 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4.7, क्लियर है। अब कभी भी एडिशन इस डायरेक्शन मत करिएगा, ओके, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट मत करिएगा, राइट टू लेफ्ट होता है एडिशन, ठीक है, डेसिमल्स में, समझ में आ रहा। तो ये आई थिंक अगर क्लियर हो गया एडिशन का, इसमें कुछ है नहीं बताने लायक, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा सबको, हेलो। यस यस सर, ओके। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, ध्यान देना, 2.57 एंड 3.888 दोनों को ऐड करना है, ऐड करके बताइए तो कितना आंसर आएगा, सर 6.458 सर 6.458
सबका आंसर आया? यस सर। ओके अच्छा, ये एडिशन तो आई थिंक आप लोगों ने किया ही होगा। अच्छा मैं कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको हम लोग करते हैं, ठीक है? हैं दो। अगर मैं बोलू एक्सप्रेस इन रुपीज, फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर मैं बोलू 9 पैसे, ठीक है, इस 9 पैसे को जो रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल फॉर्म्स में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताओ तो? इस 9 पैसे को मुझे एक्सप्रेस करना है रुपीज में, ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करेंगे डेसिमल के फॉर्म में? देखो यहाँ पर 9 पैसे लिखा हुआ ना, तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे, याद आ रहा सबको? हेलो, यस सर। तो ये याद है ना हम लोगों को, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो सिंपली क्या होता है, जब रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, समझो, जब रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, और जब पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। बोले यहां तक क्लियर है? ये पता होगा आई थिंक आपको। तो 9 पैसे को हम लोग रुपीज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो तो पैसे से रुपीज में जाना है, डिवाइड करना है 100 से, तो 9/100 ये हो गया रुपीज, ठीक है, ये क्या हो गया रुपीज। ये 9/100 को हम लोग क्या लिखेंगे बोले तो, किस फॉर्म में लिखेंगे? डेसिमल फॉर्म में, 0.09, ठीक है, रुपीज 0.09, ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes. देखो तो ओके, तो ये समझ में आ गया ना, ये सब भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में, तो वैसे भी रेडी रहना है, ठीक है, इसको आप लोग कॉपी करिए, फिर ऐसे क्वेश्चन हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, इसको पहले कॉपी कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन हो जाएगा तो एक क्वेश्चन हम लोग और देख रहे हैं, ठीक है, सेम मतलब क्वेश्चन पैसे में होगा, रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो ये है 6 रुपीज एंड 50 पैसे, इसको हम लोग कन्वर्ट करना है किसमें, टोटली रुपीज में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर पाएंगे आप? देखो तो कन्वर्ट कर पाएंगे 6 रुपीज एंड 50 पैसे को पूरा रुपीज में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा बताओ? आप लोग ट्राई करिए। सर 6.50। ओके अगर मैं बोलू, ध्यान दो, अगर मैं बोलू 5.75 पैसे, ठीक है, 5.75 पैसे को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, रुपीज में, क्या आंसर आएगा बोलू? कितना आंसर आएगा? 5.75। सबको समझ में आ रहा है बाबू? देखो सिंपली ये पैसे में था ना, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, देखो 575/100, तो 100 है, तो डेसिमल्स यहाँ पे दो डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट, हम लोग लिख सकते हैं।